नमस्कार, आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आज पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और ऐसे में विधानसभा में जो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष है वो झंडोत्तोलन कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो बिहार विधान परिषद के सभापति है वो भी झंडोत्तोलन कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से दोनों लोगों के द्वारा विधानसभा में और विधान परिषद में झंडोत्तोलन किया जा रहा है। और साथ ही साथ झंडोत्तोलन करने के बाद जो विधानसभा का अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और जो विधान परिषद के सभापति है देवेश चंद्र ठाकुर, दोनों लोगों ने तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस को लेकर मैं सर्वप्रथम उन महान सपूतों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से, संघर्ष से, पूज्य महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। उनको सत सत बार 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 अनेकों बार मैं नमन करता हूँ। और मैं आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि हम मुस्तैद रहें, बुलंद रहें, सतर्क रहें, और जो भी देश को तोड़क विचारधारा के जो लोग हैं, आतंकवादी है, अन्य तरह के इस देश को खंडित करने वाले लोग हैं, उनको पहचाने, समझें, सतर्क रहें, सावधान रहें, और हमारा तिरंगा कभी झुकने नहीं पावे। इस तिरंगा के शान मान आन के लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, 15 अगस्त के अवसर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। 77वां स्वतंत्रता दिवस पर हम पूरे बिहारवासियों को, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए, जो हमारे लाखों करोड़ों लोग शहीद हुए इस स्वतंत्रता को हमें देने के लिए, और 1947 में जिन्होंने हमें ये स्वतंत्रता दिलाई, हम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके स्मृति चरणों में अपनी शीश झुकाते हैं, उनके परिजनों को याद करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उनके चलते आज हम यहाँ आज़ाद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं भी दी है। और क्या कुछ करें पहले आप इस वीडियो में देखिए। तो अभी आपने देखा जो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और उनके साथ में जो बिहार विधान परिषद के जो सभापति है देवेश चंद्र ठाकुर, दोनों लोगों ने बिहार विधानसभा में झंडोत्तोलन किया और साथ ही साथ तमाम देशवासियों को बधाई भी दी। और वहीं आपको बता दें कि जो विधानसभा का अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, उन्होंने लोगों से अपील भी किया कि जो लोग भी देश में रह के देश को बांटने की बात करते हैं तो वैसे लोगों से देशवासियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।